नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। नीट 2019 के रिजल्ट के बाद अब मेन चीज़ ये रहती है 2019 के मेडिकल काउंसलिंग, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। काउंसलिंग 100% सीट रहती है, उसमें जो 15% रहता है वो ऑल इंडिया कोटा का है। ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग सेंट्रलाइज है, ऑनलाइन है, यानी आप घर बैठे चूज कर सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। इस काउंसलिंग का कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी हाई रहता है। इसमें टॉप 10,000 टॉप 12,000 ऑल इंडिया कोटा ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। बाकी जो है स्टूडेंट वह आते हैं 85% स्टेट कोटा में। स्टेट कोटा में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, वह मुझे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। अब हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि बाहर के स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकें, ऐसा बहुत कम स्टेट होता है जो ओपन स्टेट में गिना जाता है। ओपन स्टेट यानी बाहर के स्टूडेंट जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप कर्नाटका या केरल के डोमिसाइल नहीं हैं और फिर भी आप उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लो फीस में एडमिशन ले सकते हो। बाकी जो स्टेट रहते हैं, जो क्लोज स्टेट रहते हैं, उसमें यह होता है कि अगर आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हो वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए सिर्फ मैनेजमेंट कोटा या NRI कोटा अवेलेबल होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तीन प्रकार की फ़ीस होती है, तीन प्रकार की सीट्स होती है। नॉर्मल सीट्स जिसमें फ़ीस जो है कम से कम होती है, उसमें 7 से 8 लाख होता है फीस। उसके बाद आता है मैनेजमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा में 10+ लाख होती है पर एनम। और तीसरा जो है NRI कोटा होता है, उसमें फ़ीस जो है 20+ लाख होती है पर एनम। तो यूजुअली सभी स्टेट में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो और वह NRI कोटा या मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ऐसे थोड़े सी स्टेट है जैसे कर्नाटका और केरल, जिसमें सभी स्टेट के स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट कोटा में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर फीस जो है कम से कम होती है, कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई रहता है। सभी स्टेट के स्टूडेंट उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इतने से इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।